लाडली हैं भाइयों की. हाउ इज दैट? कितना अपना हुक्म चलाती थी, अपनी बात मनवाती थी और क्या. मैं भाइयों की लाडली एक्चुअली जबरदस्ती हूँ. जबरदस्ती उन तीनों का बस चले वो मुझे किसी कमरे में बंद करते. मेरे भाई क्यों तंग है मुझसे. बहुत तंग किया था बचपन में. मैंने उनको बहुत तंग किया है और मैं उनको इरिटेट करती हूँ. और वो मेरे भाई, एक तो मेरे भाई को लगता है मैं बहुत प्यारी हूँ तो वो लगता नहीं है माशाल्लाह से. नहीं लेकिन उनकी ओवर पोजेसिवनेस और उनको होता है कि इसको बस हम डब्बे में बंद करके घर में रख लें. बट ऑब्वियसली बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड मूव्ड आउट एंड अब मैं कराची में हूँ. बट माय ब्रदर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. तीनों भाई. अच्छा. अब जो अहमद है वो भी मेरी तरह का नहीं है. वो बहुत बहुत अलग इंसान है. सबसे बड़ा वाला भाई इज लाइक अ फादर फिगर. तो वो तो बिल्कुल ही, उनकी तो हर बात पे होता है कि अच्छा. वो तो मुझे कहते हैं ये तुम कैसी मोटी हो जो पतली लगती हो. मैं कहती हूँ भैया कहते नहीं ये तुम टीवी पे इतनी पतली कैसी लगती हो और सामने तो तुम. मैंने कहा भैया प्लीज. कहते नहीं अम्मा यार ये अपनी जॉब है उनके साथ कुछ करती है अम्मा. ये कुछ करती है ये अपनी कुछ ये अपना सांस रोक लेती है अम्मा. एंड अम्मा और मैं इतना हंसते हैं कि भैया हर वक्त ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हाउ इज़ शी लुकिंग smart and skinny because she's not because I know her. So I think I'm that little baby for all of them. Jo mera beech wala bhai Asad bhai, he and I we love to fight. Asad bhai aur main har waqt arguments abhi bhi. Asad bhai aur main saath baithte hain to sabko pata hota hai aaj ghar mein ek tamasha hoga. But uske baad tamasha karne ke baad fir hum acha yaar sorry acha yaar aaj acha yaar tu yaar badi tu badi ho gayi hai na tu. Main kehti nahi Asad bhai aap samajh kehte bas चुप कर जा. सो दैट एनवायरनमेंट. मेरे भाई बेचारे लाडली तो नहीं, उनको बाबा ये कहते थे कि एक दफ़ा तीनों को लाइन में खड़ा किया. मेरे बाबा ने कहा ये इस घर की शहजादी है. oh. और मैं साथ बैठी हुई थी. इसका नौकर कौन है? और मेरे तीनों भाई ऐसे थे ना कि बाबा तो बेटा ऑफिस चले जाएंगे. इसका नौकर कौन है बताएं? इसका नौकर कौन है? तो तीनों ऐसे थे. बाबा ने कहा आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है मैं इसका नौकर हूँ. ठीक है अगर आप लोग इसको पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते इसकी दोस्तों के घर, मैं करूँ. तो मेरे दोस्त भी ना कि अब मुझे हर कोई छोड़ने जाएगा मेरी दोस्त के घर. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि बाबा ने कह. सो उसके बाद फिर मेरे भाई सो मच फन. देन माय ब्रदर स्टार्टेड सेइंग कि ये तो पता नहीं बाबा ये इसको नहीं जाने दें. इसके लड़के दोस्त हैं, ये लड़के लड़कियाँ मिल के सिनेमा देखते हैं, फिर लोग गाड़ी में स्क्रीचें मांगते हैं. उन्होंने वार किया, जबरदस्त वार किया. तो बेटा बताते हम तो बेटा. Then he met all my guy friends. Then he was like, अच्छा नहीं लड़के भी बिल्कुल सही है, वो ही है दोस्तों वाले, कोई खतरा नहीं है. हाँ तो मैं क्या करूँ, इसको रोकूँ किस तरह? फिर उन्होंने कहा इधर से ये एक्टिंग करेगी. अच्छा. एंड देन मैंने सबको आई ट्राइड टू फूल एवरीबॉडी अराउंड द आइडिया. मैंने कहा एक ड्रामा कर लेते हैं फिर मैं नहीं करूंगी. वो क्लासिक जो होता है ना आखिरी. हाँ मेरा भाई तो सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. बाबा ने बाबा फेल इनटू इट. बाबा से मेरी बच्ची ने कह दिया बस एक ही ड्रामा तो करना है. एक ही ड्रामा तो करना है. खामोशी. मैंने कहा करने दें प्लीज बाबा, इसके बाद नहीं करूंगी. बाबा ने कहा मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ठीक है वो कर रही है. और मेरा भाई तो इस तरह था ना कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग. एंड देन जब असद से शादी हुई ही वाज लाइक मुझे तो पता था. इसका तो प्लान ही था कि ये तो जाएगी शादी करेगी, ये अपनी तरह की कोई लड़का ढूंढ लेगी और ये बस सारी जिंदगी से. सो बट नाउ अब हम इतना हंसते हैं इन चीज़ों के बारे में कि उस वक्त आपके डर खौफ बहन भाइयों की मोहब्बत अम्मा बाबा के डर सोसाइटी को लेके चीज़ों को लेके. बट आई थिंक एवरी थिंग इवेंचुअली फॉल्स इन टू प्लेस. अल्लाह मियाँ ने हर एक चीज़ का वक्त एक प्रोसेस एक जर्नी रखा हुआ है और वो इट हैपेंस विद टाइम. तो भाइयों ने इंडिविजुअली भी असद को ग्रिल किया जब वो रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि जितना आप पोजेसिव बता रही हैं मेरे बड़े भाई ने तो असद को जाके कहा कि डोंट डू दिस टू योरसेल्फ. तो मैं नहीं पता तुम क्या. ये वाकई सच्चे भाई हैं आपके. ये सच्चे भाई हैं आपके. मैं एडवाइस दे रहा हूँ मत करो. असद हैड कम फॉर द रिश्ता लाइक सीरियसली. वो घर आए और मेरा भाई ने कहा बेटा जरा बाहर आना, गए लोग बाहर. मैं कहा मत करो मेरे साथ, तुम अपने साथ गलत करो. असद ने कहा क्या है भाई? असद ने कहा मैं संभाल लूंगा. फिर मैंने बाद में कहा, मैंने कहा देखा देखे संभाल गई. तो हंसते हैं भैया वगैरह. भाई कहते हैं वो अच्छा इन माई हाउस एवरीबडी इज अ फैन ऑफ असद्स
पेशेंस इन आपकी लगी हुई है, आई कैन सी योर फेसेस, यू लाइक असद के बारे में तो वो है कि असद ना कुछ गलत कर सकता है, असद एक साबिर आदमी है, असद एक अजीम आदमी है जो है, बट थोड़ा सा आपको जो भाइयों से सुनती हूँ तो यू नो मुझे हमेशा होता है कि मैं लाडली हूँ तो मुझे प्यार करें, बट माई फादर तो कहते हैं वो बेचारा उसके तो साथ जिंदगी में जो हो गया है, आपकी ने उससे शादी जो उसकी हो गई है, मतलब जैसे मैं एक आई एम अ डायन और आई एम सम इविल फोर्स एंड असद बेचारे, सो बस वो असद की एक्सट्रीमली असद की हिम्मत और करेज के बहुत फैन है कि उन्होंने मुझसे शादी की है। तो जब उन्होंने सबने आपने पहली बार सीन किया, ड्रामे हुआ, टीवी पे आई, तो क्या रिएक्शन था, देखा पहला ड्रामा उन्होंने, पहला किस देखी और क्या क्या रिस्पॉन्स आया? दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी। अच्छा, मेरा काम देख के वो खुश सब होते हैं। नहीं, बट शुरू शुरू में जब बारिश पे दे ऑल सैट डाउन एंड लाफ्ड विद मी, लेटर ऑन वी ऑल लाफ्ड, बट शुरू में भी हमेशा दे वुड ऑलवेज टेल मी यहाँ अच्छी लग रही हो, यहाँ बुरी लग रही हो, ओवर हो रही हो, क्या कर रही हो। हाँ, सो वो तो हमेशा दे वॉच माय स्टफ। तो पहली अपॉर्चुनिटी मिली कैसे थी टीवी पे आने की? हाउ डिड दैट हैपन? आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड आई स्पोक टू हसीब हसन। ठीक है, अम्मा ने मेरी उनसे फ़ोन पे बात की थी और हसीब भाई उस वक्त कुछ कर रहे थे बट फिर वो हो नहीं पाया, एंड देन मेरी फ़हीम बरनी से बात हुई। उससे भी पहले मैं न्यूयॉर्क एक छोटा रोल आपने उससे पहले किया था ना, खामोशी से पहले एक छोटा रोल किया था, धड़कन पूरा एक प्रोजेक्ट था। हाँ, बट मैंने धड़कन से पहले मैंने तो धड़कन में कैसे आप पहले धड़कन में मुझे फहीम बरनी ने फ़ोन किया था। आई वाज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एट दैट टाइम, न्यूयॉर्क में मैं अभी अभी गॉथम सिटी का ऑडिशन देके आई थी। ओके, नाइस। नहीं नाइस नहीं, 100 लोगों में से एक उनको लोग लड़की नज़र आ गई। इट सो गिविंग ऑडिशंस आउटसाइड इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड इज अ लॉट ऑफ आई मीन देयर इज सो मेनी पीपल अराउंड from different ethnicities, yeah. from different cultures. Yeah. So to land a job outside, I think is a huge deal. Every artist, jo hamare Pakistan ke jo jo artists bahar gaye hain, unhone kaam kiya hai, they've made their mark, ye bahut badi baat hai. I think it's a huge thing because I myself have given auditions for different things before I got into acting. To wo is very tough, wahan pe bahut competition. Gautam ke liye aapne diya tha, ho gayi thi approve? Nahin, Gautam City, main to bas dekh ke aayi thi, it was my first audition. Haan, but kaisa experience tha, dar lag raha hoga? Bahut dar lag raha tha. There were a lot of people, bahut unka systematic hota hai, pehle headshots ki tasveerein hoti hain, phir you know you have to hold something, us pe aapki side details likhi hoti hain, phir ek monologue hota hai jo aapko ek hafta pehle de dete hain, wo yaad karna hota hai, phir jab aap andar jaate hain to aap dekhte hain ki teen log samne desk pe baithe hue hain aur मतलब आपकी सिर्फ दो लाइनें सुनेंगे और वो कहेंगे नेक्स्ट। ओह, वो आपको कंप्लीट भी नहीं करने देंगे इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द टोन। ओह, आई थिंक मैं ब्रूटल है यार, ये तो बहुत मोर और लेस मेरा मोनोलॉग बस पूरा ही होने वाला था कि उन्होंने कहा था नेक्स्ट, तो मैंने कहा ओए ग्रेट आई एम गोइंग, डोंट किक मी आउट। सो फील हुआ होगा उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो मुझे इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर ऑडिशनिंग फॉर गॉथम सिटी। अच्छा, तो आपने मुझे तो बिल्कुल फील मुझे ये फील हुआ कि मैं गॉथम सिटी के लिए ऑडिशन, but of course it was out of 100 people again. And then Fahim bhai called me. Fahim bhai ne kaha ek drama hai, karogi? Maine kaha ha ha karungi. I got here, did the drama, and bas phir I think one thing led to another, then to another, then to another. Lekin usse pehle kuch aapne sirf theater kiya hua tha, kuch aur TV ya media se aapka? Nothing, koi interest. To jab pehla scene shoot hua, itne log camera samne, how did you feel? Very intimidated. बहुत ओवरवेल्म फील किया था मैंने, एंड फिर फहीम भाई ने मुझे कहा कि डोंट वरी, इट्स ओके, मैं करा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी धड़कन में, अगर अभी भी आर्काइव्स में निकाल के देखा जाए, अरे यार आवाज़ भी मेरी बहुत मैंने पतली की हुई थी। सो आई थिंक अगेन पढ़ाई करके जब आप आते हैं तो यही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कैरेक्टर को समझते हैं, उसकी आँख समझते हैं, फिर आई थिंक अपने आप को कैरेक्टर के साथ कैसे इंडल्ज करना है वो करते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो एक्टर्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री में, मोर देन इवन द डायरेक्टर्स? और क्या ये अच्छी बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम सिर्फ ये देखते हैं, और जनरल ऑडियंसेस भी, कि एक्टर कौन है, ये नहीं देखते कि डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है। ये जो इम्बैलेंस है इंडस्ट्री में,
अभी शायद अगर आप वो एक्टर हैं जिसके नाम पे ड्रामा चल रहा है तो आपको शायद बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जाके मे बी अगर आपसे कोई बड़ा एक्टर आ गया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ले ली जाएंगी, राइट? तो ये फैक्ट कि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इम्बैलेंस है बिटवीन ऑल द प्लेयर्स जो हैं, वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, और आपको क्या लगता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई थिंक ये इम्बैलेंस तो पूरी दुनिया में